ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय नंदगोपाय गोविंदाय। हे कृष्ण करुणा जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा राधा तप्ता कंसदा राधे राधे। श्री कृष्ण श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे राम। भगवद गीता अध्याय 11 और श्लोक 53। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। नहम न अहम, मुझे नहीं। किससे? दान से, कठिन तपस्या से, वेद अध्ययन से, ना ही पूजा से। जिस स्वरूप को तुम अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हो, वो स्वरूप इन साधनों से देखा नहीं जा सकता। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता है। अब इसका ये मतलब हुआ कि मनुष्य दान भी ना करे। सीधा सीधा ये है कि जब हमको भगवान के दर्शन हो गए ही नहीं, भगवान मिलेंगे ही नहीं, तो हम दान क्यों करें, फिर तपस्या क्यों करें? यही समझने की बात है। आगे जाके श्री कृष्ण जो 54वां श्लोक है, इन सब बातों का वो खंडन कर रहे हैं। किसका? दान, कठोर तपस्या, पूजा और वेद अध्ययन, इन सबों से ना मुझे तुम पा सकते हो और ना ही इस मेरे रूप के दर्शन कर सकते हो। तो फिर आखिर कैसे करें, कैसे करें? कोई तो रास्ता होगा, कोई तो मार्ग होगा, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग धर्म पे चल रहे हैं। तो उन सबों का क्या हो? कोई रास्ता दिखाइए भगवान। क्या कहा, क्या है? भक्त्या, वह बहुत अद्भुत श्लोक, बहुत ही अद्भुत श्लोक भगवद गीता का। भक्त्या तवन अनन्या है, भक्त्या तव अनन्या शक्या। वाह वाह वाह। अहम एवं वेदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन परवेष्टम च परंतत्व। भक्त्या तवनन्या शक्य, एकमात्र अनन्य भक्ति से ये संभव है। याद रखना, कृष्ण को पाना असंभव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण को पाना संभव है। ये सबसे पहली हमारे लिए गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज तो आप सबों को मिल चुकी। कैसे? जब कोई माँ बनने वाली होती है तो हम क्या कहते हैं? गुड न्यूज है। तो कोई भक्त बनने वाला होता है तो डबल गुड न्यूज होती है। जैसे माँ बनेगी तो उसे बच्चा मिलेगा, और कोई भक्त बनेगा तो उसे भगवान मिलेगा। इसलिए ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि जब कोई भजन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जैसे गर्भ में बच्चा प्रवेश कर जाए, गर्भ में आत्मा प्रवेश कर जाए तो गुड न्यूज़ है। ऐसे हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाए तो भी गुड न्यूज़ है। क्या? अब वो भजन करने लगेगा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जब गर्भ में प्रवेश बच्चा कर जाए तो वो खट्टा खाने को मन करता है। ऐसे जब अंतरात्मा में परमात्मा प्रवेश कर जाए तो उसे प्रसाद खाने को मन करता है। जब आपका प्रसाद खाने को मन करे, मतलब आप भक्त। ये बड़ी छोटी छोटी बातें। कृष्ण कहते भक्ति से संभव है मुझे पाना। कैसे? अब देखो, समझो क्या क्या संभव है। अगर आप भक्ति करते हैं सिंपली, सादा सीधा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर आप गृहस्थी में हैं, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, या ब्रह्मचारी है। आप किसी भी आश्रम से संबंध रखते हैं, लेकिन महामंत्र श्री कृष्ण नाम का आपके जीवन में जप है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम राम। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। और हमें तो गुड न्यूज़ उसी समय मिल गई थी, आनंद भयो मेरी माई सतगुरु। और जब गुरु की कृपा हो जाती है तो फिर गुरु ग्रंथ जी महाराज की अद्भुत वाणी मुझे याद है रही, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जय सतगुरु नजर करें। अगर गुरु की कृपा हो गई तो शिष्य राजा तो क्या महाराजा बन जाता है। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जय सतगुरु नजर करें। शिष्य के जीवन में आनंद हो जाता है। और याद रखो, जब अंतर में आनंद हो तो बाहर की तकलीफें कुछ नहीं कर सकती। अंतर में आनंद होना चाहिए, और वो आनंद भक्ति से मिलता है, भजन से मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब भक्ति से कृष्ण ने एक शब्द उपयोग किया है, शक्य। शक्य मतलब पॉसिबल। कृष्ण अशक्य नहीं है। ये तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है भक्तों के लिए। कृष्ण मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बाकी चीज़ों में हाँ ना होता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण कहते शक्य है, पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल नहीं है, और डाउटफुल भी नहीं है। 100% शक्य है, पॉसिबल है। लेकिन कैसे, ये भी कृष्ण ने बता दिया। और क्या क्या पता है, क्या क्या पॉसिबल है, समझो। ज्ञातुम, तुम मेरे विषय पूरा जान सकते हो। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। अरे प्रभु, अभी तो आपने कहा वेद अध्ययन से नहीं जान सकते हो, तो भक्ति कैसे कैसे जान लेंगे? फिर उपनिषदों का श्वेत श्वेत उपनिषद, जिसको अपने गुरु और कृष्ण पे पूर्ण विश्वास है, वेदों का ज्ञान खुद ब खुद उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद कह रहे हैं। आप मात्र श्रद्धा से भक्ति कीजिए, रास्ता दिखाने वाला खुद ही दिखाता चला जाएगा। रास्ता दिखाने वाला खुद ही, जैसे एक आपको उदाहरण दूं, आजकल ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मैं कल जा रहा था कार में, तो रास्ते पता नहीं थे, तो क्या लगा देते हैं जीपीएस ने, हाँ जीपीएस लगा देते, जीपीएस सेट कर दिया यहाँ पर जाना है, हर थोड़ी थोड़ी देर में रास्ता बता रही है, इधर से चलना, राइट साइड रखना, फिर 1 किलोमीटर के बाद इधर ले लेना, फिर इधर, ऐसा रास्ता बता रही थी और मंजिल पे पहुंचाती है। अगर वो जीपीएस की लेडी अगर सेटिंग हो जाए तो रास्ता दिखा देती है, ऐसे ही अगर भक्ति देवी से सेटिंग हो जाए, कैसा रास्ता दिखाएगी, सीधा कृष्ण तक पहुंचाएगी। जीपीएस की सेटिंग अब पहले तो ये ढूंढो उसका नाम क्या है रियली। आप अगर कभी उस लेडी से आप बात करें, उससे वो रास्ता बताती पूरा। अगर भक्ति देवी से सेटिंग किसी की हो जाए तो गोलोक तक का रास्ता दिखा देगी सीधा। सिंपली आपको सेटिंग करनी है और वो सेटिंग सदगुरु करवाते हैं भक्ति देवी से। आपकी एक बार भक्ति सेट हो गई, हम कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता अब इसकी भक्ति सेट हो गई है, जैसे आप सबों की सेट हो गई है, तभी तो आपको रोज़ वो यहाँ का रास्ता दिखाती है, कहती है गोल मैदान से सीधे जाओ, साधु आसमानी पुतले से टर्न हो। ये अंदर कौन बता रहा है? वही भक्ति देवी बता रही है। फिर आगे जाओ, फिर वहाँ से मुड़ो, फिर मुड़ते मुड़ते अंदर आ जाओ, अंदर आके और अंदर आ जाओ, तो राधा वृंदावन चंद्र है। ये सेटिंग हुई है तभी तो वो रास्ता रोज़ दिखाती है, नहीं तो भटके हुए मुसाफिर तो कहीं यहाँ से निकल जाते हैं। जब भक्ति से सेटिंग हो जाए तो क्या क्या होता है समझो। पहली बात, ज्ञातुम, तुम मेरे लिए क्या प्राप्त कर सकते हो? कौन सा ज्ञान? जो वेद अध्ययन से संभव नहीं है। कैसे भाई, वेद से क्यों नहीं संभव है? तब कहा पोथी पढ़े पंडित मुआ, फिर आगे क्या नहीं, कैसे जरा मैं भूल रहा हूँ। अच्छा हाँ 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 हाँ, जगमुआ पोथी पढ़े जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के। हिंदी के 2.5 और इंग्लिश के 4। हिंदी के 2.5 और इंग्लिश के 4, LOV। ये जिसने ये अक्षर प्रेम के पढ़ लिए, कृष्ण कहते हैं उसको भक्ति हो जाएगी। साच कहे सुनी लियो सभी, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु। श्रील भक्तिपाद जी महाराज से किसी ने पूछा कि प्रेम हो तो कैसे हो। श्रील भक्तिपाद जी महाराज ने कहा कि देखो, प्रेम सुनने से होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिया रुक्मिणी जी का। रुक्मिणी जी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, मात्र साधु संत ब्राह्मणों से वो सुनती रहती थी, और सुनते 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 रुक्मिणी जी को प्रेम हो गया। और ये बात परम सत्य है, भक्ति का पहला साधन ही क्या है? श्रवणम भक्ति। ये जो आप बरसों से सुन रहे हो ना, ये रंग लाएगा कभी, इसका परिणाम निकलेगा कभी, इसका रिजल्ट आएगा। सुनते सुनते और जपते जपते हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब कृष्ण कह रहे हैं कि वेद ध्यान से कुछ होने वाला नहीं। जब तक प्रेम ना हो जाए कृष्ण से, तब तक भक्ति देवी आती नहीं। आप देखेंगे कि हम भागवत का आरंभ करते हैं तो एक बूढ़ी स्त्री और दो मूर्छित बेटे, कोई दोनों बेटे, भक्ति हो गई क्या? बूढ़ी हो गई, अब इसको जवान कैसे करें? नव युवती कैसे हो भक्ति? क्या हो गई? बूढ़ी हो गई। फिर क्या साधन दिया बताओ कोई? ये जो श्रील भक्तिपाद जी महाराज कहते हैं, सुनने से प्रेम होता है। और याद रखना, याद रखना, प्रेम से इंसान जवान होता है और नफरत से वो बूढ़ा हो जाता है। याद रखना, जिस तरह से पत्तों पे, पौधों पे पानी छिड़को तो वो ताज़ा हो जाते हैं, ऐसे प्रेम इंसान को क्या कर देता है? ताज़ा कर देता है। और नफरत उसको क्या कर देती है? मुरझा देती है। अब भक्ति यह बूढ़ी हो गई है, और नारद मुनि क्या दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम। किसके द्वारा? कथा के द्वारा। जब उसे प्रेम, कृष्ण प्रेम मिला, किसके द्वारा? कथा के द्वारा। कौन सी कथा? तव कथा अमृतम। नहीं तो क्या क्या खंडन हो गया? वेद अध्ययन, गौर, फिर दान और पूजा। ये प्रेम की बात है उद्धव। अब उद्धव को ज्ञान है, बहुत ब्रह्म ज्ञानी उद्धव। ये छोटी छोटी बातें हैं जो समझने की। ब्रह्म ज्ञानी उद्धव जब मथुरा पहुंचते हैं श्री कृष्ण, श्लोक कौन सा? भक्त्या तवम तव अनन्या शक्य। क्या शक्य है? अहम वेदो अहम वेदो अर्जुन। श्लोक ये चल रहा है अभी। मुझे वेद मतलब यहां अहम वेदो अर्जुन मतलब मुझे जान सकते हो। यहां पर पूरा श्लोक पढ़ता हूं। भक्त्या तवम अनन्या शक्य अहम एवं वेदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टु च तत्वेन प्रविष्टम च परंतप। तो मैं क्या बताने लगा था? उद्धव उद्धव ने जब श्री कृष्ण को मथुरा में देखा, गोपियों के विरह में, राधा रानी के विरह में रोते हुए। अब उद्धव कौन है? ब्रह्मज्ञानी है। अब ब्रह्मज्ञानी क्या करते हैं? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। सोना, मट्टी, पत्थर, हीरा, सब कुछ बना नहीं रखता। और कृष्ण को रोते देखकर उद्धव जी को हंसी आ गई। आप और रो रहे हैं। समझने की बात यह है कि भक्ति से क्या क्या संभव हो सकता है जो ज्ञान से संभव नहीं होगा। याद रखना दो चीजें। ज्ञान पता देता है, सिंपली क्या बोला जी, ज्ञान पता देता है और प्रेम पहुंचा देता है। ये बिग, वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड लव। ज्ञान क्या करता है? पता देता है और प्रेम पहुंचा देता है। ये ज्ञान और भक्ति में, इसलिए कृष्ण ने कहा ज्ञान से नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ज्ञान तो तुम्हें पता तो दे देगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, आप एक बिल्डिंग के नीचे से रोज निकलते हो और आपको पता है कि यहाँ ये फलाना व्यक्ति रहता है, ये आपको क्या है पता है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर कब जाओगे? जब आपको उस व्यक्ति से प्रेम होगा, नहीं तो वहां से ही गुजर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं। ज्ञान पता देता है और प्रेम पहुंचा देता है, इसलिए प्रेमा भक्ति जहाँ हुए थे अविद्या, सारा ज्ञान। ये नहीं लिखा है ज्ञाना भक्ति जहाँ हुए थे अविद्या। तो बात उद्धव की हो रही थी, उद्धव को हंसी आ गई। अरे श्याम सुंदर, ये क्या रो रहे हो? क्या लगा रखा है? राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया। क्या लगा रखा है आपने? आपको शोभा देता? इतने उष्ट पुष्ट, इतने ब्यूटीफुल, हैंडसम, सुंदर, और क्या लगा रखा है? कृष्ण ने सोचा, उद्धव को यदि मैं ये प्रेम की महिमा समझाऊंगा तो ये समझने वाला नहीं है। हाँ, ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये ज्ञानी है, इसको नहीं समझ आएगा। फिर क्या करे? सोचो, इसको श्रीधाम वृंदावन भेज दूं। बड़ी अद्भुत बात है बहनों, माताओं, मित्रों, बिना कृष्ण भक्ति जीवन सूना, शून्य, किसी काम का भी नहीं है, उठा के फेंक देंगे। और बिना कृष्ण भक्ति के जीवन संसार में कितना दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। आप संसार की कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर लो, फिर भी क्या मिला? अंत में तो रिजल्ट वो देखते हैं ना। अभी हमने 31 मार्च को सब क्लोजिंग की तो नेट बैलेंस देखते हैं ना, तो अंत में तो नेट बैलेंस जीरो आया। संसार की कितनी सफलता प्राप्त कर लो, कितनी ख्याति प्राप्त कर लो, कितने लोग आपके वाहवाही करने वाले आ जाए, लेकिन अंत में तो। समझने की बात यह है कि संसार की जितनी बड़ी सफलता हो, फिर भी अंत में हाथ में जीरो आता है। समझिए आप सब। और संसार के पीछे पागल हो भी गए तो उससे क्या मिलेगा। अब देखो एक इंजीनियर लड़की, इंजीनियरिंग की छात्रा, वो इंडिया मैच हार गया, उसने सुसाइड कर लिया। मैच इंडिया हार गया और उसने क्या कर लिया। आप समझिए हम किस रास्तों पे चल रहे हैं। इतना बहुमूल्य मनुष्य शरीर, बहुमूल्य मनुष्य जन्म हम छोटी छोटी जो जीवन में ऊंच नीचे आ जाती है, छोटी छोटी जीवन में घटनाएं आ जाती है। अब आज मैच हारे हैं, कल हम जीतेंगे, और हमने जीते भी, वर्ल्ड कप जीते हैं, ये तो एक हिस्सा है। लेकिन हम अपने आप को कितना इन्वॉल्व कर लेते हैं और हम में कितनी सहन शक्ति समाप्त हो गई है, ये सब चीजें समझने की है। इसका कारण है संसार में हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना। आप पानी के जब तक ऊपर ऊपर रहोगे तो एंजॉय करोगे, पानी में गए तो डूब जाओगे। ऐसे संसार के साथ रहोगे तो एंजॉय करोगे, अंदर गए तो डूब जाओगे। आप जिस हाल में, जिस वेश में, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण। कृष्ण को साथ लेके चलो, कृष्ण नाम को साथ लेके चलो, कृष्ण भजन को साथ लेके चलो, कृष्ण कथा को साथ लेके चलो, कृष्ण सत्संग को साथ लेके चलो, ताकि आपके जीवन में एक आध्यात्मिक ऊर्जा आए, एक आध्यात्मिक दिशा हो आपके जीवन में। तो बात चल रही थी किसकी, उद्धव की। बात ये समझाना चाहता हूं कि संसार में पाया भी तो अंत में तो है, हाथ में जीरो ही रहा, शून्य ही रहा, कुछ नहीं आया। वो एक कहावत सुनी है, खाया पिया कुछ नहीं है, गिलास तोड़ा बारह ने। लो, चारा ने कभी नहीं खाया और गए बारह ने। यही अपना हाल है। संसार में पाया तो कुछ नहीं, खोया ही खोया, क्योंकि जो पाया है वो भी तो खोना ही है। जो पाया है वो खोना ही है, और वो आज नहीं तो कल किसी का होना ही है, और अपन को बैठ के अंत में रोना ही है, और फिर एक नींद की गोली लेके सोना ही है। लो, इसलिए महाप्रभु ने कहा जीव जागो, अब नींद से जागो, ये गोली वोली खाना छोड़ो और भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जीव जागो गौरचंद्र बोले। तो उद्धव को कहा ये एक काम करो उद्धव। अब उद्धव को भेजे कैसे वृंदावन, उद्धव को भेजे कैसे वृंदावन, क्योंकि ज्ञानियों को वृंदावन में मजा नहीं आएगा। वहां तो हर झाड़ पे लिखा बोली गोपी राधे 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 राधे। ये ज्ञानियों को, उसके ज्ञान से अंदर क्या हो जाता है, एक सूखा नीरसता आ जाती है। ऐसी शक्ल बना के बैठेंगे, ऐसे मुझसे तो बनती भी नहीं है। ऐसे गंभीर सीरियस मौन संकेत में याद रखना, मौन रहना आसान काम है। क्या बोल रहा हूँ, मौन रहना, प्रेम से बोलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कोई नहीं बोलना चाहता। बोलो, उदाहरण दूं, बात बंद हो गई, मौन। फिर उसे प्रेम से बोलो तो बहुत मारना पड़ता खुद को। मौन रहना आसान काम है, लेकिन किसी से प्रेम से बोलना बहुत मुश्किल काम है। लोग कहते हैं ना मौन बहुत मुश्किल है, खासकर माताओं के लिए। लोग कहते हैं मौन रहना बहुत, मैं कहता हूँ मौन आसान काम है, प्रेम से बोलना किसी से बहुत कठिन काम है, क्योंकि अंदर से निकलता ही नहीं। किसी से प्रेम से दो बोल बात कर ले, निस्वार्थ दो बोल प्रेम के किसी से बोलना बिल्कुल नहीं। किसी की निंदा करनी हो तो जबान ऐसे लगता फर्स्ट गियर में आ गई है, थकती ही नहीं है। ऐसी कई लेडीज है फोन पे लगती है, कुछ पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। और किसी की अच्छाई बोलनी हो ना, जबान नहीं उठती है। मौन रहना आसान है, दो बोल प्रेम के बोलना बहुत कठिन है। तो अब उद्धव को भेजे कैसे, कहां पर? वृंदावन। और याद रखना, किसी को ये बोलना कि जाओ थोड़ा किसी से सीख कर आओ, ओहो, उसके अहंकार को बड़ी ठेस पहुंचती। क्योंकि आज सीखने को कोई तैयार नहीं है, सबके सब क्या है, सिखाने वाले। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं मेरी माताओं बहनों मित्रों, मुसीबत में मशवरे देने वाले हजार, मदद करने वाला कोई नहीं। क्या हुआ, सीने में दर्द है, लीलावती ले जाओ, मशवरा दे दिया। कोकिला बेन ले जाओ, मशवरा दे दिया। हिंदुजा ले जाओ, मशवरा। लेकिन कभी सोचा कि हिंदुजा ले जाने का ट्रेन का भी भाड़ा है? मशवरे देने वाले हजार, लेकिन मदद करने वाला एक मुरलीधर के सिवा कोई नहीं। इसलिए मैंने तो जिंदगी में समझ लिया है, आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा जाए। एक बात बताऊं, बहुतों को पकड़ने जाओगे ना तो हाथ में आने वाले एक को पकड़ लो। एक को पकड़ लो, एक साधे हैं सब सीधे। अरे वाह, एक साधे सब सीधे हो जाएंगे, ये समझो। उसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता कि अगर कृष्ण आपसे खुश है तो सब सीधे। एक साधे सब सीधे, घर वाले भी सीधे, बाहर वाले भी सीधे, परिवार भी सीधा, सब सीधे, अगर कृष्ण की कृपा है तो। इसलिए अगर किसी सहारे को पकड़ना है मजबूती से, तो वो राधा वृंदावन चंद्र के श्री चरण है। पकड़ लो उसको और फिर देखो क्या होता है। जिसने भी श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के श्री चरणों से विमुख हो गया, समझ लो उसने एक प्रकार का अपने ऊपर अत्याचार कर दिया। अब उद्धव एक तो ब्रह्मज्ञानी पहुंची हुई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, और एक ज्ञानी को कहना कि तुम किसी से थोड़ा क्या करो, और वो भी किससे, गोपियां जिनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता था। ये तो टेढ़ी खीड़ है, समझने की बात नहीं है। इसलिए कृष्ण ने, देखो कृष्ण परफेक्ट, श्रील भक्ति बात कहते हैं ही इज परफेक्ट प्लानर। आप मात्र, मैंने कहा ना, जीपीएस की सेटिंग कर लो, आप भक्ति देवी से क्या कर लो, सेटिंग कर लो, वो पहुंचाएगी खुद ही, रास्ता दिखाती जाएगी, यहाँ से यूँ चलो, यहाँ से यूँ चलो, आगे बच्चों खड्डा है मत गिरना, वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना, वहाँ खाई है वहाँ से राइट मुड़, भक्ति देवी आपको पहुँचा देगी। खाली आप क्या कर लो, सेटिंग कर लो। जीपीएस से सेटिंग कर लो। अब जीपीएस का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? चलो अब मैं टाइम नहीं है बर्बाद करना चाहता हूँ। जी गुरु, पी परमात्मा, एस सेवा। गुरु और कृष्ण की सेवा करो, सेटिंग हो गई। यही तो भक्ति और क्या है। स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने तो साफ कह दिया है, क्या कहा, गुरु भक्ति, गुरु बंदगी, गौ सेवा, गुरु बंदगी और कृष्ण से प्यार, इस विधि हो जाएगा प्यारे भवसागर से प्यार पार। स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने तो कह दिया है, गाय की सेवा करो, गुरु की सेवा करो और कृष्ण से प्यार करो, भवसागर से पार हो जाओ। अब उद्धव को क्या कहें, इसलिए उद्धव को कहा एक काम करो उद्धव, मैं तो वृंदावन से होके आया और समझा समझा के थक गया, ये गोपियाँ नहीं समझती है, थोड़ा उनको ज्ञान दे के आओ। किसी को समझाने कहो तो समझाने को तुम कह रहे हो ना, मशवरा देने वाले आजाद आ जाए। और हर आदमी ऐसा मशवरा देगा जैसे MBBS और MD, यही है। कभी कभी तो दवाई के नाम भी बता देते हैं, श्री राधे। तो GPS मतलब गुरु परमात्मा सेवा, 3 चीजें कर लो, आपकी सेटिंग हो गई भक्ति से, वो पहुंचा देगी आपको। तो उद्धव को कहा जाओ अब वृंदावन जाओ। उद्धव को क्या कहा, क्या करूंगा वृंदावन जाके, कहा गोपियों को थोड़ा सा ज्ञान दे के आओ, वो भी मेरी तरह रोती रहती है। ठीक है जाता हूं। अब उद्धव जाने को तैयार हो गए, कहाँ, वृंदावन। और हम सत्संग को यहीं विराम दे रहे हैं, क्योंकि ये जो चर्चा अभी चल रही है ये इतनी स्वादिष्ट है, ये बोलने में और सुनने में इतना स्वाद आता है कि मैं उसको जल्दी से निपटाना नहीं चाहता हूँ। ये कथा ऐसी है कि ये चलेगी तो चलती जाएगी। इसलिए कल अब मुझे याद दिला देना आते ही कि उद्धव जी वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए। श्लोक मैं फिर से पढ़ लेता हूं, हे अर्जुन, अब अनुवाद इसका ट्रांसलेशन, हे अर्जुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, जैसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, मेरे समझ भी रहस्य को भी पा सकते हो। अब ज्ञान, दान, तपस्या यानी कठोर तपस्या और वेद अध्ययन और पूजा, अब इसका तो गीता में खंडन हो गया, तो फिर हम क्या ये सब ना करें, एक ये प्रश्न है। क्योंकि लोगों को तो बहाना चाहिए, अरे भाई गीता में तो मना कर दिया, क्यों करते हो, फिर ये घंटी क्यों बजाते हो, अगरबत्ती को क्यों मारते हो। कई अपनी यहाँ है इंडिया में संस्था है जो कहती ना घंटी बजाओ ना दिया जलाओ। हाँ, दिया न जलाओ लेकिन लोगों के दिल भले जलाओ, ये चलता है, लेकिन दिया नहीं जलाओ। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम कल चर्चा करेंगे। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कल हम सब आएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और मुझे बहुत प्रिय श्लोक है, ये बहुत अद्भुत प्रिय श्लोक है। ये कल हम इस पे चर्चा करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निधाय गो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।